Hi guys, this is me Jolly Yadav. Welcome back to our channel Reality 360 Degree. आज मैं आप सभी को लेकर आई हूँ हमारे आज के प्रोजेक्ट सिप्टेक स्प्रिंग्स पर, जिसकी लोकेशन रहेगी सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन. बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है एंड इसके जो बिल्डर हैं उनकी बहुत ही अच्छी रेपुटेशन है रियल एस्टेट के मार्केट में. प्रोजेक्ट के बारे में हम और डिस्कस करें, उससे पहले हम यहाँ की लोकेशन को थोड़ा समझ लेते हैं. प्रोजेक्ट से आपको कनेक्टिविटी कैसे मिलती है, प्लस आसपास में आपको नेबरहुड कैसे मिलता है, इन चीज़ों पर पहले बात कर लेते हैं. तो प्रोजेक्ट आपका मेन रोड से हार्डली 500 मीटर के डिस्टेंस पर है. नॉलेज पार्क आपके बिल्कुल यहाँ से 500 मीटर के डिस्टेंस पर है. जो अगर नॉलेज पार्क की भी बात की जाए तो यहाँ पर आपका नॉलेज पार्क 5 आने वाला है, जो कि आपके 2500 एकड़ के लैंड पैच में रहेगा. एंड वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके इंस्टीट्यूशनल एरियाज रहेंगे एंड आईटी हब्स रहेंगे. प्लस उसके साथ साथ आपको यहाँ पर अराउंड 500 मीटर के डिस्टेंस पर अपकमिंग मेट्रो स्टेशन भी मिल जाता है. उसके बाद अगर हम बात करें नोएडा की, तो नोएडा सेक्टर 63 यहाँ से अराउंड 20 से 25 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. प्रोजेक्ट से NH24 15 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर है. ईस्टर्न पेरिफेरल एंड यमुना एक्सप्रेस वे आपके अराउंड 25 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेंगे. उसके साथ साथ गौर चौक यहाँ से 10 से 12 मिनट के डिस्टेंस पर है. दैट मीन्स आपको सारे कमर्शियल एरियाज यहाँ से आपको 10 से 12 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर मिल जाते हैं. प्लस सबसे अच्छी बात ये है कि प्रोजेक्ट से आपके बिल्कुल 5 मिनट के डिस्टेंस पर आपको 16 ऑपरेशनल स्कूल्स मिल जाते हैं. जी हाँ, जिनमें से कुछ स्कूल्स के नाम आपके लिए हमने स्क्रीन पर भी मेंशन कर दिए हैं. प्लस उसके अलावा हम बात करें हॉस्पिटल की, तो यहाँ पर आपको यथार्थ हॉस्पिटल सबसे नजदीक मिल जाता है, जो कि यहाँ से अराउंड 5 मिनट के ड्राइविंग डिस्टेंस पर रहेगा. एंड गाइस, दिस इज द मॉडल ऑफ द प्रोजेक्ट सिविटेक स्ट्रिंग्स. जो पूरा प्रोजेक्ट है आपके 4.5 एकड़ की लैंड पैच में बना हुआ है. 2 साइड ओपन प्लॉट आपका रहेगा, दोनों साइड आपको 24 मीटर वाइड रोड मिल जाते हैं. प्रोजेक्ट के इस तरफ आपका कमर्शियल एरिया रहेगा, जिसमें कि आपकी 30 कमर्शियल शॉप्स रहेंगी, जिनमें कि आपका डेली नीड्स का सामान मिलेगा. प्लस दिस साइड आप इस तरफ देखते हैं, तो यहाँ पर रहेगी इस प्रोजेक्ट की मेन एंट्रेंस. दिस इज द मेन गेट ऑफ द प्रोजेक्ट. यहाँ पर आपको एक एंट्री एग्जिट गेट मिल जाता है, जिसमें कि आपकी 3-year सिक्योरिटी रहेगी. एंड पूरा प्रोजेक्ट आपका पोडियम बेस्ड प्रोजेक्ट है, जिसकी मैंने आपको बताया 4.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है. इसमें आपके 4 टावर रहेंगे, जिसमें कि आपके 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स रहेंगे. टावर हाइट की बात करें तो ये आपका S+26 एंड S+27 की आपकी टावर हाइट रहेगी यहाँ पर. उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर ओपन एरिया एंड ग्रीन एरिया की भी बात कर लेते हैं, तो प्रोजेक्ट में आपको अराउंड 70% ओपन कम ग्रीन एरिया मिल जाता है. यहाँ पर पार्क एरिया की बात की जाए तो यहाँ पर आपका 1.5 एकड़ में पार्क एरिया रहेगा. उसके अलावा आपके पास आउटडोर गेम्स के लिए भी सारी जगहों पर यहाँ पर डेडिकेटेड स्पेसेस हैं. क्रिकेट पिच आपका रहेगा, बैडमिंटन कोर्ट्स यहाँ पर रहेंगे, किड्स प्ले एरिया रहेगा. उसके साथ साथ यहाँ पर क्लब हाउस भी है. क्लब हाउस आपका 15,000 स्क्वायर फीट के साइज में रहेगा, जिसमें कि आपकी सारी बेसिक अमेनिटीज रहेंगी. फॉर एग्जाम्पल इंडोर गेम्स आपके सारे प्रेजेंट रहेंगे, स्विमिंग पूल्स में इंक्लूडेड रहेगा, बैंकेट हॉल रहेगा, कैफेटेरिया रहेगा, लाइब्रेरी रहेंगे. सो ओवरऑल जैसी अमेनिटीज एक क्लब हाउस में प्रेजेंट रहती है, वो सारी की सारी आपकी यहाँ पर भी रहेगी. उसके साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं पार्किंग की, तो आपकी कम्प्लीटली यहाँ पर बेसमेंट पार्किंग रहेगी. सरफेस पे आपका नो व्हीकल मूवमेंट एरिया रहेगा. सो पूरे प्रोजेक्ट में आपकी पार्किंग बेसमेंट में मिल जाती है. एंड यहाँ पर आपको 2 and 3 BHK अपार्टमेंट्स की यूनिट मिल जाती है, जिनके साइजेस आपके लिए स्क्रीन पर मेंशन है. गाइस, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका सेक्टर 12 नोएडा एक्सटेंशन में लोकेटेड है, तो थोड़ा सा हम सेक्टर 12 को भी डिस्कस कर लेते हैं. तो पूरा सेक्टर 12 आपके 70 एकड़ के लैंड पैच में बना हुआ है, जैसे कि 40% एरिया यहाँ पर अथॉरिटी के प्लॉट्स रहेंगे उसमें. एंड बाकी के एरिया में यहाँ पर आपके हाई राइज प्रोजेक्ट्स रहेंगे. अभी एट प्रेजेंट यहाँ पर 6 हाई राइज प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें से कि 3 आपके रेडी टू मूव है एंड 3 आपके अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिनमें से कि 1 है सिविटेक स्प्रिंग्स. एंड जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स यहाँ पर हैं, उनमें से सबसे पहले जिस प्रोजेक्ट की डिलीवरी मिलने वाली है, जो कि रेडी टू मूव होने वाला है, वो है हमारा आज का प्रोजेक्ट सिविटेक स्प्रिंग्स. इस सेक्टर की हम बात करें तो काफी ज्यादा ये आपका लो डेंस सेक्टर है एंड आसपास में आपको काफी ज्यादा अच्छा नेबरहुड भी मिल जाता है. काफी सारे यहाँ पर प्रोजेक्ट अभी और भी आ रखे हैं, जैसे आप पीछे मेरे देख सकते हैं, तो यहाँ पर कोको काउंटी है, महागुण मजारिया 2.0 यहाँ पर काफी नजदीक है, अरिहंत अबोड यहाँ पर नजदीक में मिल जाता है. उसके साथ साथ काफी ज्यादा रिनाउंड बिल्डर्स के यहाँ पर प्रोजेक्ट मौजूद हैं. सो ओवरऑल आपको नेबरहुड भी यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा मिल जाता है. प्लस कम्पेयर टू अदर प्रोजेक्ट, अभी सिविटेक स्प्रिंग्स का जो BSP है वो भी काफी ज्यादा रीजनेबल है. नाउ कमिंग बैक टू आवर प्रोजेक्ट, तो यहाँ पर जैसे कि मैं अपार्टमेंट्स की बात करूँ,
तो आपके अपार्टमेंट्स अनफर्निश्ड कंडीशन में आपको डिलीवर किए जाएंगे। टोटल यहाँ पर अगर अपार्टमेंट्स की यूनिट्स की भी बात की जाए तो यहाँ पर आपको अराउंड 840 अपार्टमेंट्स की यूनिट्स मिल जाती हैं। सभी के सभी आपके वास्तु फ्रेंडली अपार्टमेंट्स रहेंगे एंड एक फ्लोर पर आपके 8 यूनिट रहेंगी विद 3 लिफ्ट्स। प्लस प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात की जाए तो पूरा प्रोजेक्ट आपका माई वन फ्रेमवर्क के साथ बनाया जा रहा है एंड रेरा के अकॉर्डिंग इस प्रोजेक्ट को 2027 में डिलीवर कर दिया जाएगा। प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिविटेक स्प्रिंग्स आपका फुली पेड अप लैंड पे बन रहा है एंड इंडिया के रिनाउंड बैंक जैसे कि HDFC बैंक, कैनरा बैंक एंड ICICI बैंक, इन लोगों द्वारा ये अप्रूव है। दैट मीन्स जब आप यहाँ पे अपार्टमेंट ओन करोगे तो आपको बिल्कुल भी परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट सिविटेक स्प्रिंग्स। आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, टेल अस इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप यहाँ पर अपार्टमेंट परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो यहाँ का जो मिनिमम स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज जस्ट 65.43 लाख। एंड ये जो प्रोजेक्ट है आपका होम बेस्ड प्रोजेक्ट है एंड काफ़ी अच्छे बिल्डर प्रोजेक्ट है। सिविटेक बिल्डर काफ़ी अच्छे रेपुटेशन के साथ आते हैं एंड उन्होंने दिल्ली NCR में 3 प्रोजेक्ट्स अभी तक डिलीवर कर दिए हैं एंड ये उनका 4th प्रोजेक्ट है। बिल्डर एक टाइम पर सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट पर फोकस करते हैं, एक ही प्रोजेक्ट करते हैं एंड उनकी एक खासियत ये भी है कि उनका हर प्रोजेक्ट बहुत ही टाइम से डिलीवर हो गया है, किसी भी प्रोजेक्ट में डिले नहीं रहा है। प्लस एक और चीज़ है कि जितने भी उनके प्रोजेक्ट हैं सब के सब आपके वास्तु फ्रेंडली प्रोजेक्ट हैं। उनके सबके सब प्लॉट जो आपको रहते हैं वो सबके सब आपके नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्लॉट्स रहते हैं एंड ओवरऑल ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। प्लस एक और चीज़ है कि यहाँ पर आपको अपार्टमेंट्स में होम ऑटोमेशन के फीचर्स मिलते हैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। सो गाइज, अगर आप इस यहाँ पर एक 2 BHK या 3 BHK घर ओन करना चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, हमारी सेल्स टीम आपको असिस्ट करेगी। एंड उसी के साथ साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू Realty 360 Degree फॉर मोर सच वीडियोज एंड आई विल सी यू इन सम अदर वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।